हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और ना अभी मॉर्निंग के 6 बज चुके हैं और यहाँ पे देखिए मैं ना सबसे पहले उठने के बाद में गर्म पानी रखती हूँ 2 ग्लास, एक मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे लिए, और हमें ना जल्दी ही उठ जाते हैं। पानी को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस हल्का कुनकुना करना है। और गर्म पानी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मॉर्निंग में सबसे पहले पानी पीना चाहिए तो, और गुनगुना पानी तो और भी अच्छा होता है। और यहाँ पे देखिए मैंने 1 स्पून ऑयल लिया है, ये कुकिंग ऑयल है, बस सरसों का तेल और कोई भी खुशबू वाला तेल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैंने मूंगफली का तेल लिया है और ये ऑयल, इसको ऑयल पुलिंग बोलते हैं। तो 1 चम्मच है ना, हमको ऑयल लेना है, पी नहीं जाना है, बस मुँह में रखना है और इस तरह से घुमाते जाना है। अगर आप मॉर्निंग में उठ के रोज़ ऑयल पुलिंग करते हैं ना, आप महीना भर भी करके देखो, आपके स्किन पे बहुत ही अच्छा बेनिफिट्स दिखाई देगा और अपने हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये प्रोसेस, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए मैं ब्रश वगैरह करके आई थी और मुंह भी धो दिया है, उसके थोड़ा योगा वगैरह करते हैं और बाहर टहलते हैं थोड़ी देर। और मॉर्निंग का समय बहुत अच्छा लगता है, बाहर टाइम होता है कि थोड़ा टाइम अपने लिए देना चाहिए। अगर हम अच्छे रहेंगे तभी हम अपने फैमिली को अच्छा रख सकेंगे, है ना। तो यही है, अभी यहाँ पे देखिए मैं पानी पी रही हूँ। पानी को ना एक एक घूंट करके पीना है, एकदम से नहीं पीना, और पानी को एकदम धीरे धीरे पीना चाहिए, एकदम से ग्लास भर के नहीं पीना। और अभी मॉर्निंग के 8 बज चुके हैं और अभी हम नहाएंगे, और नहाने जाने से पहले यहाँ पे देखिए मैंने बेसन लिया है, साइड में बेसन और दही का ये पैक है और यहाँ पे मैं डिब्बी में बना रही हूँ। और साइड में देखिए मैं दूसरा पैक बना रही हूँ, उसके अंदर मैंने डाला है संतरा पाउडर, अम्बा हल्दी और ये बेसन, और थोड़ी मुल्तानी मिट्टी भी डाली थी इसमें, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद में ये केसर का पानी था तो उसी में मैं मिला दूँगी, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये पैक मैं रख दूँगी फ्रिज में। तो बना के रखते हैं ना तो कभी भी यूज़ करने में आसानी होती है, तो ये तो इसको आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना इसको भी मैं ढक्कन लगा के रख दूँगी फ्रिज में। और देखिए आप देख सकते हैं मेरे फ्रिज की हालत कैसी हो गई है, तो फ्रिज को भी मुझे क्लीनिंग करना है। 2-3 दिन से सोच रही हूँ मैं, पर टाइम ही नहीं मिल पाता है एक्स्ट्रा काम करने के लिए, क्योंकि घर का ही काम बहुत सारा हो जाता है ना इसलिए। और यहाँ पे देखिए मैं आंवला एलोवेरा का जूस ले रही हूँ, और हर लेडीज़ को लेना चाहिए, अंदर से क्लीनिंग होता है। अगर हम कोई भी जूस पीते हैं ना रोज़ाना, तो अंदर से हमारी स्किन पे भी ग्लो आता है और अंदर से फ्रेशनेस महसूस होगी आपको। आप 1 महीना भी ट्राई कीजिए तो बहुत अच्छा बेनिफिट्स होता है। आप कोई भी जूस लो, और घर पे आप वेजिटेबल जूस बनाते हो तो कभी कभी मैं वेजिटेबल का जूस भी बनाती हूँ, उसमें होता है ककड़ी, टमाटर, गाजर, बीट, ऐसे। अगर आपको चाहिए मेरी जूस वाली रेसिपी तो मुझे बताइएगा कमेंट करके, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और है ना आज मेरा मॉर्निंग का सारा काम हो गया है, और तो अभी मैं लंच बना रही हूँ। तो लंच में मैं आज बनाने वाली हूँ मटर की सब्जी। तो ये है मटर, और वो कच्चे वाले मटर आते हैं ना, वही है ये, और इसको मैंने बॉईल करके रख दिया था। ये देखिए कल भिगोए थे मैंने, उसके बाद में रात को बॉईल करके रख दिया था। और 3 आलू उबाल के लिए है मैंने आलू, और उसको देखिए इस तरह से कट कर लिया है, और मैंने रेडी कर ली है। तो जिसको मैं सब्जी में डालती हूँ, इसके अंदर है लहसुन, लाल मिर्ची पाउडर और नारियल, तो इसको मिला के मैंने इसको कूट लिया है। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। और रेगुलर हमारे मसाले, रूटीन में जो मसाले लगते हैं ना, वो मैंने यूज़ किए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। साइड में देखिए पानी बॉईल करने को रख दिया था, पानी अच्छे से गर्म हो गया है। पानी गर्म हो गया है, सच में बहुत अच्छा लगता है। देखिए
तो कढ़ाई के अंदर मैंने जीरा और प्याज डाला था, इसको अच्छे से फ्राई होने के बाद मैं ये चटनी डालूंगी मैं। और एक बार फिर से मैं बता देती हूँ चटनी मैंने कैसे बनाई थी। तो चटनी में मैंने ना खोपरा, लाल मिर्ची पाउडर, लहसुन और हल्का सा नमक डाला था। और इसको ना अच्छे से कूट लेना है। मैं ताज़ी ही बनाती हूँ, जब भी सब्ज़ी बनानी होती ना तभी मैं बना के डाल देती हूँ, इससे सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और देखिए चटनी हमारी फ्राई होने के बाद में मैंने हल्दी पाउडर डाला था और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं कभी कभी डालती हूँ, कोई कोई सब्ज़ी में नहीं डालती हूँ गरम मसाला। तो यही ऐसी के अंदर मैं नमक डाल दूंगी स्वाद के अकॉर्डिंग, और इसमें मैं मटर डालूंगी सबसे पहले। तो जितना हम अच्छे से तड़का लगाएंगे ना उतनी सब्ज़ी अच्छी टेस्टी बनती है, तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा ये सब्ज़ी। और मेरे पास ना फ्रोज़न मटर नहीं थे, तो जो रेडीमेड मटर आते हैं ना तो वही मैं लाई थी ग्रोसरी के शॉप से। तो इसको बहुत लंबी प्रोसेस होती है, पर ये भी अच्छे होते हैं मटर। इसको पहले भिगोना पड़ता है, उसके बाद में बॉईल करके फिर यूज़ में लेना पड़ता है, अदरवाइज़ वो बहुत कच्चे रह जाते हैं। क्योंकि मैंने ना दोनों तरीके से सब्ज़ी बना के देखी है, वो कच्चे ही रहते हैं, इसलिए उबाल के ही आप यूज़ में लीजिएगा। तो अभी तड़का अच्छे से पकने के बाद में मैंने मटर डाला था। मटर को 2 मिनट सेकने के बाद उबले हुए आलू डालने हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस 1-2 मिनट इस तरह मिक्स कर लेना है। और गरम पानी रखा है साइड में मैंने। आप कोई भी सब्ज़ी बना रहे हो या राइस वगैरह बना रहे हो ना, उसमें गरम पानी डालिएगा। गरम पानी से सब्ज़ी में और खाने में बहुत अच्छा स्वाद आता है, और जो सब्ज़ी होती है उसको पकने में भी टाइम नहीं लगता। और आज मैं आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो किस किस को पसंद है आलू मटर की सब्ज़ी मुझे बताइएगा, और आपके सजेशन भी मुझे बताते रहिएगा, मुझे अच्छा लगता है आपके साथ। तो सब्ज़ी देखिए, इसको है ना ढक्कन लगा के हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैंने नाश्ता नहीं बनाया था, आज मैंने डायरेक्ट खाना पका दिया, क्योंकि टाइम हो जाता है ना इसीलिए। और अंशु को भूख लगी थी, तो मैंने ना कल की मूंग दाल अब पीसी हुई पड़ी थी, मूंग दाल को भिगो के उसको पीसी हुई पड़ी हुई थी मेरे पास में, तो मैंने सोचा कि इसका ना डोसा बना दूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं धनिया पत्ती काट रही हूँ, और गाजर भी पड़ा था मेरे पास में, तो गाजर भी इसके अंदर घिस के डाल दूँ। और सबसे पहले गाजर का वो छिलका होता है ना निकाल लेना चाहिए, वरना वो मिट्टी मिट्टी लगती है खाने में, इसलिए। तो गाजर के ऊपर का छिलका मैं निकाल लूँगी और उसको घिस के बैटर में डाल दूँगी। बस बैटर के अंदर लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और धनिया और गाजर डालना है। ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं डाला है मैंने, क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं ना इसलिए, नहीं तो इसमें हरी मिर्ची, प्याज अच्छा लगता है, टमाटर ऐसे डालो ना अच्छा लगता है, पर अंशु नहीं खाता इसलिए मैं सिंपल सा बना रही हूँ। तो आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा।
ट्रैप वाले बॉम्ब कौन से? कौन से? टीएनटी। टीएनटी लिखा हुआ होता है उसको जैसे ही ना फोड़ेंगे ना बहुत बड़ा धमाका होता है ये ना, बस उसको फटने से पहले ना 2 मिनट लगते हैं, लेकिन 2 मिनट। तो खाना वगैरह होने के बाद में मैंने सोचा कि ग्रोसरी का सामान लाए हुए थे मेरे हस्बैंड तो उसको निकाल दूँ, क्योंकि कल से पड़ा हुआ था ना इसलिए, और इसको सैनिटाइज़ करना भी ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मैंने देखे चुन्नी बिछा ली है नीचे, और इसमें मैं एक एक करके सारा सामान रख दूँगी, और जो स्प्रे सैनिटाइज़र आता है ना उसके ऊपर मैं लगा दूँगी, ये पेपर वाला जो होता है उसमें भी मारना है हमें, और 2-3 घंटे के लिए इस तरह से छोड़ देना है, देन उसके बाद में हमको डिब्बे में भर देना है। तो ये देखिए इतना सामान लाए थे मेरे हस्बैंड, और इस बार तो ग्रोसरी का सामान वगैरह रखने के बाद में मैंने जो क्लीनिंग था वो कर लिया था शाम का, और अभी 8 बज चुके हैं रात के। और यहाँ पे देखिए मैं नारियल की चटनी बना रही हूँ, इसके अंदर मैंने डाला है किसा हुआ सूखा नारियल, लहसुन, और ये दलिया, और ये धनिया पत्ती, हरी मिर्ची, ये छोटी हरी मिर्ची है, लौंगी मिर्ची बोलते हैं इसको, तो ये है बहुत तीखी होती है ना इसलिए एक ही डाली है मैंने। तो यहाँ पे देखिए नमक है स्वाद के अकॉर्डिंग, तो अभी इसको मैं पीस लूँगी, और थोड़ा सा पानी डालना है हमें 2-3 चम्मच। ये देखिए मैंने पीस लिया है चटनी को, तो चटनी हमारी रेडी है। इसके अंदर आप चाहे तो तड़का भी लगा सकते हो, हम ऐसे ही खाते हैं, ऐसे भी अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे देखिए दोपहर की इडली बची थी ना तो इसको मैं फ्राई कर रही हूँ, और सांभर भी पड़ा हुआ था तो मेरे हस्बैंड बोले कि आज इसी को खा लेते हैं क्योंकि वो बचता है ना इसलिए, और से फ्राई की हुई इडली हमको बहुत पसंद है। तो किस किस को पसंद है मुझे बताइएगा। और यहाँ पे देखिए मैं ना इडली को फ्राई कर लूँगी अभी, तो यही है। और इसको देखिए मैंने जीरा डाला है तेल में, और पिछली बार मैंने आपके साथ शेयर किया था ना इडली मंचूरियन, तो वो भी कैसा लगा मुझे बताइएगा, और आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताइएगा कमेंट करके। ऐसे प्यारे प्यारे व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलो मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।